अस्सलाम वालेकुम क्लास वन। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। क्लास वन, आज हम अपना नया सबक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है तहारत और पाकिजगी। लफ्ज़ तहारत का मतलब है साफ़ सुथरा रहने के, और पाकिजगी का मतलब भी पाक साफ रहने के हैं। तो आइए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे दीन में तहारत और पाकिजगी यानी सफाई की बहुत अहमियत हासिल है। हमारा दीन ना सिर्फ बदन और जिस्म की पाकिजगी पर जोर देता है, बल्कि घर, स्कूल और मोहल्ले की सफाई की भी तलकीन करता है। लफ्ज़ बदन का मतलब है जिस्म, और लिबास का मतलब है हमारे कपड़े। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारा दीन इस्लाम है उसमें सफाई की बहुत अहमियत है, और हमारे दीन इस्लाम ने सफाई को आधा ईमान करार दिया है। अल्लाह ताला ने और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफाई को बहुत पसंद किया है, और हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, और इस पर ज़ोर हमारे दीन ने भी बहुत दिया है। और साफ़ सुथरा रहने से इंसान बहुत सी बीमारियों से बचता है। साफ इंसान को सब पसंद करते हैं। हमारा दीन न सिर्फ बदन और लिबास की पाकिजगी का जोर देता है, बल्कि घर, स्कूल और मोहल्ले की सफाई की भी तलकीन करता है। अब ये नहीं कि सिर्फ हमने अपने बदन को, अपने जिस्म को और कपड़ों को साफ रखना है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें अपने घर को, अपने स्कूल को, अपने मोहल्ले को, जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस जगह पर हम रहते हैं, हमें उनको भी साफ सुथरा रखना चाहिए। ये नहीं कि हम अगर साफ़ सुथरे कपड़े पहन लेंगे तो हमारा जिस्म साफ़ सुथरा होगा, तो हम जो हैं वो साफ़ सुथरे रहेंगे, ऐसा नहीं है। सफाई का ख्याल आपने हर तरह से रखना है। जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस कमरे में आप रह रहे हैं, आपने उसको साफ़ रखना है। आप हर रोज़ स्कूल जाते हैं, अपने अपने स्कूल को साफ़ रखना है। जिस एरिए में हम रहते हैं, अपने मोहल्ले में रहते हैं, हमें उसे भी साफ़ रखना चाहिए। साफ़ सुथरा रहने के बहुत से फ़ायदे हैं। साफ़ रहने से इंसान बेशुमार बीमारियों से बचता है और तंदुरुस्त रहता है। लफ्ज़ तंदुरुस्त का मतलब है सेहतमंद। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो लोग साफ़ सुथरा रहते हैं उनके बहुत से फ़ायदे हैं, क्योंकि सब लोग उन्हें पसंद करते हैं। और साफ़ रहने से इंसान बेशुमार बीमारियों से बचता है, वो बीमार नहीं होता, वो तंदुरुस्त होता है, यानी सेहतमंद रहता है। साफ़ सुथरा रहने वालों को अल्लाह ताला ही नहीं बल्कि सब लोग भी पसंद करते हैं। यानी जो लोग साफ़ रहते हैं, अल्लाह ताला तो उसको पसंद करते ही हैं, उसके साथ साथ लोग भी उसको पसंद करते हैं। क्योंकि जो साफ़ सुथरा होता है उससे कोई बू नहीं आती, सब लोग उसके पास बैठना पसंद करते हैं। जो लोग गंदे होते हैं उसके पास बैठने से स्मेल आती है, बदबू आती है, उनके कपड़े गंदे होते हैं, मैले कुचाले होते हैं, बंदे का दिल नहीं करता कि बंदा इनके पास बैठे। तो साफ़ सुथरे इंसान से खुद ही इंसान का दिल करता है कि इससे बात करे, इससे हाल अवाल पूछे, इसके पास बैठे। तो हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए। हमारे दीन में सफाई का बहुत बड़ा मकाम है, और सफाई को आधा ईमान करार दिया गया है। देखें, अब वही बात आ गई कि हमारे दीन में सफाई को बहुत बड़ा मकाम हासिल है, और सफाई को आधा ईमान करार दिया गया है। मुसलमान दिन में 5 मरतबा नमाज से पहले वजू करते हैं। इस तरह दिन में 5 मरतबा नमाजियों का मुंह साफ हो जाता है, और चेहरा, हाथ और पैर धुल जाते हैं। देखिए, अब जब मुसलमान दिन में 5 दफ़ा वजू करेगा तो उसके जिस्म के हिस्से साफ सुथरे रहेंगे, उसे कोई बीमारी नहीं रहेगी और वो तंदुरुस्त रहेगा। वजू का फ़ायदा हो गया ना, कि अल्लाह ताला ने जो हमें नमाज का हुक्म दिया है कि नमाज जो है उससे पहले वज़ू है, और वज़ू के बग़ैर नमाज कबूल नहीं होती। जब हम वज़ू करते हैं तो उसमें हम अपना मुंह धोते हैं, अपना चेहरा, हाथ पैर हम अपने धोते हैं। तो जब ये चीज़ें धुल जाती हैं तो हमारे साथ से सारे जरासीम उतर जाते हैं, हम पाक साफ रहते हैं। जब हम पाक साफ रहते हैं तो हमारे साथ कोई बीमारी लगने का अमकान ही नहीं होता, और हम जो है तंदुरुस्त रहते हैं। तो सफाई के बहुत से फ़ायदे हैं, साफ़ सुथरा रहना बहुत अच्छी बात है। ये प्यारे बच्चों, आपने इसकी पढ़ाई यहाँ तक करनी है, इस पैराग्राफ तक। सब बच्चों ने लफ्ज़ को दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ पढ़ना है।
यही आज का आपका काम है, रीडिंग करनी है। कल हम इसका इंशाल्लाह कल इसका बाकी हिस्सा करेंगे, वजू और नमाज। अल्लाह हाफिज़।